Hello, children. Welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in our last video, we have seen chapter number 15, Transport. In this video, we are going to read book exercises and question answers of chapter number 15, Transport, Class 4, Social Science Milestones book. Let's start with book exercises, page number 111. Exercise A, fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर वन इज पक्का रोड्स आर मेड ऑफ डैश एंड द आंसर इज पक्का रोड्स आर मेड ऑफ़ टार टार जो कि एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है उसे ये रोड्स बनते हैं जिनको मेटल रोड्स भी कहते हैं हमने इसको चैप्टर में पढ़ा था सेकेंड क्वेश्चन ट्रेलर्स आर डैश ट्रक्स ट्रेलर्स जो होते हैं वो बिग ट्रक्स यानी कि बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनको ट्रेलर्स कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री पेट्रोलियम एंड ऑयल आर कैरीड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज टैंकर्स पेट्रोलियम और ऑयल जिसमें कैरी करके लेके जाते हैं वो स्पेशल टाइप की शिप्स होती हैं उनको कहते हैं टैंकर्स क्वेश्चन नंबर फोर डैश गुड्स कैन नॉट बी कैरीड बाय एयरवेज जब हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो एयरवेज होते हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा हेवी गुड्स जो है वो कैरी करके नहीं जा सकते है ना तो इसका आंसर है हेवी एंड बल्की गुड्स कैन नॉट बी कैरिड बाय एयरवेज तो हेवी और बल्की गुड्स फिर कैसे कैरी करते हैं बाय ट्रेन एंड बाय शिप्स क्वेश्चन नंबर फाइव देयर आर डैश मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज थर्टीन देयर आर थर्टीन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया और जो माइनर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं टू हंड्रेड टू हंड्रेड माइनर पोर्ट्स है छोटे पोर्ट्स कितने हैं टू हंड्रेड और जो बड़े पोर्ट्स है वो है थर्टीन देन एक्सरसाइज बी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन इज अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है यस इट इज इन चेन्नई वो चेन्नई में है मेट्रो रेल मेट्रो रेल कहाँ पर है यस इट इज इन दिल्ली पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज़ कैरीड इन टैंकर्स अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में इसका आंसर दिखा था टैंकर्स में इसको कैरी करते वॉट इज़ बी आर ओ एंड वेर वेन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बी आर ओ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड एयरवेज यस हेलीकॉप्टर जो है वो एक एयरवेज का मोड है ठीक है एक्सरसाइज सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स क्वेश्चन नंबर वन इज़ एयर ट्रैवल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड दिस सेंटेस इज करेक्ट ये सही है ट्रू है क्योंकि एयर ट्रैवलिंग जो है वो एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली होता है महंगा होता है एज कंपेयर टू द ट्रेन एंड रोडवेज सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रेलर्स आर यूज एज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू कैरी ऑयल एंड पेट्रोलीम ये क्वेश्चन हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं फिलिंग द लैंक्स में भी था और मैच द फॉलोइंग में था और यहाँ पर इसका स, जो मीनिंग है वह हम देखते हैं सेंटेंस का ट्रेलर्स आर यूज एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू कैरी ऑयल एंड पेट्रोलीम अभी हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो टैंकर्स यूज करते हैं वो ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए यूज़ करते तो ट्रेलर्स जो है ट्रेलर्स आर द बिग ट्रक्स ये बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है जिसमें स्कूटर्स और कार्स को कैरी किया जाता है तो ये जो सेंटेंस है दिस इज़ फॉल्स ये इनकरेक्ट सेंटेंस है ट्रेलर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं कार्स और स्कूटर्स को कैरी करने के लिए न कि ऑयल और पेट्रोलियम क्वेश्चन नंबर थ्री इज टैंकर शिप्स कैरी वाटर फ्रॉम वन कंट्री टू द अनादर अब टैंकर शिप्स जो होती हैं वो वाटर कैरी नहीं करती हैं दे कैरी ऑयल एंड पेट्रोलियम सो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर एरोप्लेन्स आर यूज टू डिलीवर पेरिशेबल आइटम्स एंड दिस सेंटेंस इज़ ट्रू ये करेक्ट है क्योंकि एरोप्लेन्स जो है वो पेरिशबल आइटम्स को कैरी करता है पेरिशेबल आइटम्स मीन्स ऐसे जो खराब हो सकते हैं जैसे कि मिल्क uh, प्रोडक्ट्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए खाने के दूसरे आइटम जो होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करना होता है इसलिए उनको एरोप्लेन्स में डिलीवर किया जाता है सो दिस सेंटेंस इज़ ट्रू क्वेश्चन नंबर फाइव स्टीम लोकोमोटिव आर यूज इन मोस्ट ऑफ द ट्रेंस इन इंडिया हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो स्टीम लोकोमोटिवज़ होते हैं स्टीम इंजन जो होते हैं वो सिर्फ हेरिटेज ट्रेंड्स में यूज़ होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दार्जिलिंग में जो ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन है ना ऊटी में चलती है तो ये जो ट्रेन होती है हेरिटेज ट्रेंड उनमें ही स्टीम इंजन यूज़ किया जाता है लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन तो ये सेंटेंस तो फॉल्स है क्योंकि पूरे इंडिया में जो ट्रेंस चलती हैं एक्सेप्ट हेरिटेज ट्रेन वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल पे नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज डी आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वाई आर रोडवेज इम्पॉर्टेंट रोडवेज इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए रोडवेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे नॉट ओनली कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस बट अल्सो कैरी वराइटी ऑफ गुड्स लाइक ग्रीनस फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑइल एंड पेट्रोलियम ऑल ओवर इंडिया रोडवेज़ जो है वो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुँचाते बल्कि वराइटी ऑफ गुड्स बहुत सारे टाइप का गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है बाय रोडवेज दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट अब कौन सा सामान पहुँचाते हैं जैसे ग्रेन्स हो गए ग्रेन्स मतलब जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है व्हीट है मक्का है बाजरा है राइस है ये जो ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल, पेट्रोलियम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको रोडवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री तक जाती है जो जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं और फैक्ट्री से फिर फिनिश गुड्स जो मार्केट में आता है उसके लिए भी रोडवेज यूज़ किया जाता है दैन सेकेंड क्वेश्चन इज वाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज रेलवेज़ के एडवांटेजेस क्या है रेलवेज़ कनेक्ट पीपल फ्राम फारदेस्ट कार्नर्स ऑफ द कंट्री एंड हेल्प इन बिजनेस एंड टूरिज़म रेलवेज की वजह से इंडिया के हर कोने तक कोने में रहने वाले जो लोग हैं वो मूवमेंट कर सकते वो ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इंडिया के हर कॉर्नर में आप नेटवर्क आप रेलवेज़ देख सकते हो आप ट्रेवल कर सकते हो चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो इट अल्सो हेल्प्स इन बिज़नेस रेलवेज़ की वजह से बिज़नेस बढ़ाए क्योंकि रेलवेज uh, के जो स्पेशल uh, ट्रेन होते हैं लाइक कार्गो ट्रेन जिसको हम कहते हैं जो हैवी गुड्स को कैरी किए करते हैं है ना तो हेवी गुड्स को कैरी करना है या फिर ऑयल uh, टैंकर्स जो होते हैं ऑयल कैरी करना है देखो जहाँ ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है तो ट्रेन से ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं और जिसकी वजह से ट्रेडिंग में या बिज़नेस में जो है वो इंक्रीज़ होता है बिज़नेस बढ़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है टूरिज़म है ना टूरिज़्म जो है वो भी इंक्रीज़ होता है रेलवेज़ की वजह से क्योंकि रेलवेज़ जो है पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका डेस्टिनेशन है आप घूमना चाहते हो एक्सप्लोर करना चाहते हो इंडिया के कल्चर को तो रेलवेज आपको एक सबसे बहुत बढ़िया आपके लिए एक ट्रैवल का मोड है तो रेलवेज इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू वाटरवेज सर्व आवर कंट्री वाटरवेज किस तरह से कंट्री को सर्व करते हैं हेल्प करते हैं एंड द आंसर इज वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज वो चीपेस्ट मीन्स है एज़ कंपेयर टू द ट्रेन बस और रोडवेज और एयरवेज वाटरवेज जो है वो सस्ते होते हैं एंड मोस्टली यूज इन कैरिंग टनस ऑफ कार्गो बहुत सारा जो हैवी गुड्स हैं बहुत सारा जो सामान है वो इससे कैरी होता है बाय वाटरवेज पेट्रोलियम एंड ऑयल के बारे में हमने अभी पढ़ाई है कि पेट्रोलियम एंड ऑयल आर कैरीड बाई स्पेशल सिप्स दे आर कॉल्ड टेंकर्स उनको टैंकर्स कहा जाता है रिवर्स और कैनल्स लेक्स ये जो हैं दीज आर यूज फॉर इंडलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंडलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो होती है मतलब कंट्री के अंदर ही कंट्री से बाहर नहीं कंट्री के अंदर ही जो बड़ी रिवर्स है कैनल्स है लेक्स है उनमें इंडलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर वेज अल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज दे हेल्प टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्राम द एनिमीज हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो जवान हैं नेवी के वो हमेशा तैनात रहते हैं और उनके लिए जो भी सामान पहुँचाना होता है है ने ना नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए तो उसके लिए भी वाटरवेज एक सबसे बढ़िया जो है मोड है ट्रांसपोर्ट का तो इस तरह से वाटरवेज जो है वो कंट्री के लिए इम्पॉटेंट है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज़ हाउ आर एयरवेज हेल्पफुल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जब इमरजेंसी होती है स्पेशली जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ा था कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं लाइक फ्लड्स हो गए फेमिन हो गया अर्थ क्वेक्स हो गए सुनामी हो गए तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम में जो है एयरवेज बहुत हेल्पफुल होते हैं वो कैसे लेट्स सी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज़ लाइक फ्लड्स एंड अर्थ क्वेक्स हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स आर यूज टू प्रोवाइड फूड पैकेट मेडिसिन एंड अदर थिंग इन दिज एरिया दे आर आल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल अब अर्थक्वेक्स और फ्लड्स अगर ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पर बसेस हैं या फिर ट्रक्स है या फिर ट्रेंस है जो नहीं पहुँच पाती हैं जैसे कि कोई माउंटेनियस एरिया है हिली एरिया है वहाँ पर अगर रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है या ट्रेन नहीं है तो ऐसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स जो है वो पहुंच सकते हैं तो इन दिज एरियाज़ वेन देर इज़ एन इमरजेंसी लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक्स पीपल नीड फूड पैकेट्स उनको फूड की ज़रूरत होती है दे नीड मेडिसिन आल्सो नीड क्लोथ्स एंड ड्रिंकिंग वाटर तो ये सारी चीज़ें दे आर प्रोवाइडेड बाय द हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स में से उनको नीचे फेंका जाता है फूड पैकेट्स को मेडिसिन को ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें दे आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल ऐसी जगह पर जो है लोग फंसे होते हैं फ्लड्स में अर्थक्वेक्स में लैंड स्लाइड्स होती हैं वहाँ पर तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है टू रेस्क्यू पीपल क्वेश्चन नंबर फाइव इज नेम सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट इन इंडिया आई हैव रिटन सिक्स नेम्स ये यू कैन राइट मोर ऑल्सो फर्स्ट वन इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली सेकेंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई थर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई नंबर फाइव राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद एंड नंबर सिक्स बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु देन एक्सरसाइज ई थिंक एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन इफ़ यू हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंट कंट्री विच मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज़ ना हेयर यू कैन राइट वाटर वेज ऑल्सो एंड एयरवेज ऑल्सो अगर वाटरवेज अवेलेबल है तो, तो ये आप अपने आप लिख सकते हो आंसर यहाँ मैंने लिखा है आई विल यूज़ एयरवेज़ क्यों यू है एयरवेज़ यूज़ करेंगे दूसरी कंट्री में जाने के लिए बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम दैन एनी अदर मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्योंकि एयरवेज़ जो है वो, वो कम टाइम में पहुँचा देते हैं है ना इट टेक लेस टाइम और इसीलिए जो है हम एयरवेज़ को पसंद करेंगे हाँ अगर आपको वाटर uh, ट्रांसपोर्ट अच्छा लगता है यू यू वांट टू एन्जॉय द ट्रैवलिंग इन शिप देन यू कैन गो बाय शिप ऑल्सो इफ इट इज़ अवेलेबल इन दैट कंट्री तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हो वहाँ पर एक्सरसाइज एफ इज लाइफ स्किल एंड क्वेश्चन इज यू हैव बिन मेड द मॉनिटर ऑफ योर स्कूल बस व्हाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू द चिल्ड्रन सिटिंग इन योर बस आपको आपके बस का मोनिटर बना दिया गया है स्कूल में और एज अ मोनीटर कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आप बच्चों को दोगे बस में तो आई हैव रिटर्न योर सिक्स इंस्ट्रक्शंस आप और भी लिख सकते हो फर्स्ट इज़ नेवर टर्न रन टू और फ्राम द बस बस की तरफ दौड़ के नहीं आना है और दौड़ के नहीं जाना है इट इज़ वेरी हार्मुल एक्सीडेंट हो सकता है सेकेंड क्वेश्चन कीप हेड हैंड एंड आर्म्स इन साइड द बस अपना हेड हैंड और आर्म्स जो है वो बस के अंदर रखें विंडो से या गेट से बाहर नहीं निकालें थर्ड पॉइंट जो है डू नाट फाइट और शाउट इन बस बस में जब आप बैठते हो चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए बस हो या फिर स्कूल बस हो हमेशा आपको क्वाइटली uh, बैठना है ताकि जो बस ड्राइवर हैं उसको जो है डिस्टर्ब नहीं हो बस चलाने के लिए तो डो नॉट फाइट और शॉर्ट शाउट इन बस नंबर फोर क्रॉस द रोड ओनली वैन द ड्राइवर गिवज अ सिग्नल आपको तभी क्रॉस करना है रोड को जब आपके जो बस ड्राइवर है वो आपको सिग्नल देंगे वो आपको बताएंगे तभी क्रॉस करना है कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो बस से उतरते ही बस के आगे से ही क्रॉस करने लग जाते हैं रोड को तो इससे क्या होता है अगर ड्राइवर ने आपको नहीं देखा तो वो बस स्टार्ट कर सकता है और वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है नंबर फोर नंबर फाइव डो नॉट पुश एनी वन वाइल्ड गेटिंग ऑफ द बस जब भी हम बस में एंटर करते हैं चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं बस से उस टाइम आपको किसी को भी पुश नहीं करना है चाहे आपके आगे हो चाहे पीछे हो है ना इट इज़ वेरी डेंजरस इट कैन कॉज एक्सीडेंट नंबर सिक्स डो नॉट लिटर द बस फ्लोर बस का जो फ्लोर है उसको किसी भी तरीके से गंदा गंदा नहीं करना है उसको लिटर नहीं करना है नहीं तो आपको पानी उसमें स्पॉइल करना है या फिर कोई खाने की चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं डालनी है इससे आपकी जो बस है वो गंदी होगी उसका जो फ्लोर है वो भी गंदा होगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं अगर आपको और कुछ पता है तो आप वो भी लिख सकते हो सो हेयर वी हैव फिनिश्ड और बुक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर फिफ्टीन ट्रांसपोर्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को उसी के साथ बेल बटन को आपको प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सो विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय